चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज जो तिथि है, आज तिथि का नाम है पुत्रदा एकादशी है, इसलिए जो एकादशी व्रत है कभी इसको कल्पतरु व्रत कहते हैं। कल्पतरु व्रत मतलब होता है जैसे कल्प वृक्षों को नीचे बैठ करके जो मांगो वो वृक्ष आपको वही प्रदान करता है। कभी एकादशी व्रत करके आप जो कुछ एकादशी से मांगोगे वो एकादशी समस्त इच्छाओं को ये पूरी करती है। इसलिए एकादशी दिन आने पर हमें कोई अन्न जातीय कोई वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए वैष्णव मात्र को ही एकादशी व्रत करनी चाहिए। ये तो व्रत सबको करनी चाहिए। 8 साल से लेकर 80 साल तक इसको कंपलसरी एकादशी व्रत करने के लिए बताया। इसलिए एकादशी का दिन अन्न में गोहत्या, नरहत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूणो हत्या और पितृमाति हत्या, ये समस्त पाप एकादशी का दिन अर्न में आश्रय करके रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति एकादशी का दिन अर्न भोजन करेगा ये सारे पाप उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए एकादशी व्रत जरूर हमें वैष्णव मात्र को ही करनी चाहिए और उसी दिन अर्न नहीं देनी चाहिए, अर्न ग्रहण नहीं भी करनी चाहिए, देनी भी नहीं चाहिए, ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एक समय एक वैष्णव थे जिनका नाम था एक नाथ। भगवान स्वयं परीक्षा करने के लिए आ गए, बोले कैसे एकादशी व्रत रखता है। भगवान स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण किया, जरा जीर्ण आकर के दरवाजा पे बोले मैं 3-5 दिन से मैं भूखा हूँ, आज मेरे को कुछ अन्न दो। तो वो निकल करके आए, बोले आज तो एकादशी व्रत है, एकादशी का दिन हम देते भी नहीं और वैष्णव लोग खाते भी नहीं, देना भी जितना पाप और भोजन करना भी उतना ही पाप, इसलिए हम आपको अन्न नहीं दे सकते। बोले अगर आप नहीं दोगे तो आपको घर को साफ नहीं प्राण त्याग कर दूंगा, क्योंकि 5 दिन से मैंने भोजन नहीं किया। खूब रोने गिड़गिड़ाने लग गए, तब भी उन्होंने अन्न देने के लिए राजी नहीं हुई और करते करते वो सब ठाकुर जी थे, उन्होंने तो उनको घर को साफ नहीं प्राण त्याग कर। सब लोग उनकी निंदा करने लगे, कैसे साधु है, भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं कर पाया, करवा पाया और इनको घर को सामने ये व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया। सब अड़ोसी पड़ोसी सब अब जानते हो, सब निंदा करने लग गए, है ये ढोंगी साधु भजन नहीं करता। इसके हृदय में संतों का लक्षण होता है दया, इसके हृदय में दया मात्र का कोई भी चीज इसके अंदर में नहीं, सब उसको गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इतने में उसने देखा मेरी वजह से एक प्राणी जीव हत्या हो गया है, मैं भी इसको साथ में आत्महत्या कर दूंगा। इसने मैं चिता सजाए और चिता सजा करके एक नाथ स्वयं बैठ गए और उसको गोद में, मैंने जो मृत जो शरीर था अपना गोद में वो मृत शरीर को लेकर के बैठ गए। जो आग लगाने गए ना, इतने में वो स्वयं ठाकुर जी थे, एकदम उसी समय ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी प्रकट होकर के बोले मैं तुमको परीक्षा कर रहा था, ये एकादशी व्रत में तुम्हारी कितने निष्ठा है ये मैं स्वयं परीक्षा करने के लिए आया था, भैया तुम जीत गए हो, तुम जीत गए हो, इसलिए तुम्हारे लिए मेरे धाम तैयार है। इसलिए एकादशी का दिन अन्न देनी नहीं चाहिए, अन्न भोजन नहीं करनी चाहिए। और एक समय कुछ लोग बैठे हुए थे, गांव के लोग जैसे बैठ कर बात करते ना, बात कर रहे थे, इतने में देखा उसी गांव में जो एक व्यक्ति मर गया था वो हठात एक व्यक्ति खड़ा हुआ, सब डर गए, अरे ये तो मर गया था जिंदा कैसे हो गया, भूत बन गया, भागो भागो भूत हो गया, भागो यहाँ से, ये कहाँ से आ गया। उसने कहा भैया तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम लोग बैठो। बोले भैया तू तो मर गया था जिंदा कैसे हो गया। जमदूत बन गया, क्या बन गया, मैं जमदूत बन गया। बोले जमदूत बन गया, बोले हाँ, बोले जमदूत कौन बनता है, बोले भगवान मेरे को तो मानव शरीर दिए हैं,
लेकिन ये मानव शरीर पा करके मैंने भगवान की भजन नहीं किया है, मैंने प्रभु की भजन नहीं किया। 100 बार ठाकुर जी हमें ये चांस दिया मानव जन्म की, लेकिन 100 जन्म भी मैंने प्रभु की भजन नहीं किया तो भजन नहीं करेगा तो नर्क जाएगा, इसलिए 100 बार मेरे को नर्क जाना पड़ा। जब मैंने 100 बार नर्क गया एक जगह पर, अगर एक व्यक्ति अगर 100 बार जाएगा तो क्या होगा बता, हर विषय के बारे में उसको एकदम एक्सपर्ट जानकारी हो जाता है, यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर ये होता है, ये कर्म का ये फल, ये करने से ये होता, पूरा अच्छी तरह से जानकारी हो गया। जब महाराज बोले लगता है ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति जमदूत बनने का लायक है, क्योंकि यहाँ पर 100 बार आ चुका है, इसलिए इसको क्या करो, इसका जमदूत बना दो, सब विषय में एक्सपर्ट हो गया ना है, सब जानकारी भी जमपुर कैसे तो भक्त ही है, इसलिए मेरे को उन्होंने जमदूत बना दिया और मैं जमदूत बन गया। बोले तू यहाँ पर क्यों आए, बोले कोई मरने से पहले हमें अपने आप पता चलता है हम कोई व्यक्ति मरने वाला है, इसलिए हम पहले से आ जाते हैं। बोले भैया कोई मरने वाला क्या है, बोला गांव के अमुक व्यक्ति अभी मरने वाला, उसको मैं लेने के लिए आया हूँ। तब उन लोगों ने पूछा कि बात बता सकते हो, बोले बताओ, बोले ऐसे कौन सा काम है जो करने पर जीव कभी नर्क नहीं जाएगा, तो तू वहां जानते हो रहते हो बता सकते हो, बोले हाँ, बोले बताओ, बोले जो एकादशी व्रत रखेगा वो कभी जमपुरी, ये जमदूत स्वयं कह रहा है, जो एकादशी व्रत रखते हैं वो कभी जमपुरी नहीं जाएगा, जैसे गले में तुलसी की कंठी है, हैं? इसलिए वहां पर जमदूत स्वयं जमदूत जब महाराज को पूछे, जब अजामली को लेकर लड़ाई हुआ ना, इसको कौन ले जाएगा कौन नहीं ले जाएगा, जब विष्णु तो ने जमदूत को मार मार कर भगा दिए, जमदूत ने अस्त्र शस्त्र लेकर के जब महाराज का चरण में पटक पटक दी, बोला आज से आपका नौकरी फोकरी हम कुछ नहीं करेंगे। बोले भैया बात क्या, बोले बात क्या, आपको दुनिया कोई मानते नहीं, हम तो सोच रहे धरता करता था विधा तो तुम ही हो है, दुनिया में तो आपको कोई मानने वाले नहीं, कोई नहीं मानते आपका आदेश को। बोले भैया बात तो बताओ क्या हो गया, बोले क्या हो गया, क्या एक अजामिल नाम के बहुत बड़ा पापी था, हम उसको लेने के लिए गए थे, पता नहीं कहाँ से 4 हाथ वाले बड़े सुंदर देखने में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, लग रहा था जैसे देवलोक से कोई देवता उतर करके आ गई, और उनकी शरीर से इतने तेज था, चमचमा रहे थे, इतने सुंदर देखने में थे। तो बोले भैया उसने मरते समय कुछ बोला था, बोला हाँ एक बार नारायण बोला था, क्या बोला था, एक बार नारायण बोला था, नारायण नाम सुनते तो जब महाराज बेहोश हो गए। बोले भैया बड़े दिनों में ठाकुर जी का नाम हमें सुनने को मिला, बोले ठाकुर जी हैं, बोले हाँ वो मेरे प्रभु है। बोले भैया हम तो सोच रहे दुनिया का मालिक आप ही हो, करता करता भी जाता आप ही हो। बोले मूर्ख हो तुम्हें क्या पता है, हैं तुम्हें क्या पता है, अरे मैं सेवक हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो भी जिनके अधीन में काम करने वाले हैं, मैं तो उनका नौकर हूँ, इसी जगत में केवल जो पाप कर्म करते हैं केवल उनका ही मैं दंड देने वाला, और कोई काम मेरे पास में नहीं है, और तो दुनिया का मालिक वही है। बोले खबरदार जो भजन करते हैं उनके पास में मत जाना। बोले भैया चार्ट बना दो, एक चार्ट बना दो, कम से कम जब कोई मरेगा चार्ट उसे तो मिलाएंगे हैं, ये व्यक्ति भजन करता कि नहीं। तो उन्होंने बोले बोले जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम धेय, ये चार्ट जब महाराज की। बोले जो जीवा पा करके भगवान के नाम गुण को नहीं करते, बोले चतश्चन स्मरति जत चरणारविंदम, जो अपना हृदय में ठाकुर जी को स्मरण नहीं करते, बोले कृष्णाय नमति जत सीर कदापि, जिसने कभी ठाकुर के चरण में कृष्ण चरण में सर को नहीं झुकाया, बोले तान अनर्धम, उन अधम को पकड़ पकड़ कर मेरे पास में आना। बोले विष्णु कृत्या, तो वहां कहते हैं जो विष्णु कृत्य नहीं किया है, तो वो टीकाकार कहते हैं विष्णु कृत्य मतलब क्या है, ललाट में तिलक है, गल में तुलसी की कंठी है, और जो भगवान की जो माला है, हैं? गल में कंठी तिलक और भगवान की जो नाम है, ये विष्णु वैष्णव का ही चिन्ह है,
वैष्णव का जिन ललाटित लतम नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। जो गले में कंठी तिलक माला भजन नहीं करते वो ब्रह्म राक्षस है, वो इंसान नहीं, उसको राक्षस बताया गया। इसलिए कहती ये तीन चीज रहेगा ना, ये जबदूत कहते भैया वो कभी नर्क नहीं जाएगा, इतने महत्व है। इसलिए आज का जो एकादशी का नाम है, कौन सा नाम है? पुत्रदाई एकादशी। ये पुत्रदाई एकादशी मतलब जिसको घर में पुत्र संतान नहीं, अगर ये एकादशी व्रत करेगा तो उसको पुत्र संतान होगा। यहाँ पर कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज से क्या बोला मैं पढ़ता हूँ, अब हिंदी समझते हो ना, इसलिए अब समझ लो ये कृष्ण स्वयं अपना मुंह से श्री युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप कृपा करके ही बताओ, जो पौष मास की जो शुक्ला पक्ष जो एकादशी का क्या नाम है, आज का जो एकादशी का नाम क्या है, और ये एकादशी करने का विधि क्या है, और उसी दिन कौन सा देवता को पूजा होता है, और किसको प्रति उन्होंने संतुष्ट होकर के ये एकादशी से क्या किसको कोई फल प्रदान किया था, इसलिए आप कृपा करके ये कथा को सविस्तार में बिल्कुल कौन पूछ रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज। किसको पूछे? भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर स्वयं ये व्रत की कथा कृष्ण सुनाते हैं। भगवान कृष्ण कहते देखो महाराज, ये जो एकादशी है इसका नाम पुत्रदा एकादशी है, इसी नाम से ये प्रसिद्ध है। कभी अगर ये एकादशी को कोई व्रत पालन करे तो कभी उसका समस्त पाप भी नष्ट हो जाता है, और भगवान संतुष्ट होकर के उसको समस्त इच्छाओं को भी ठाकुर जी पूरी करते हैं एकादशी करने से। कहते तो स्वयं सिद्धिदाता नारायण है, ये कहते यही भगवान नारायण कृष्ण ही इसकी अधिष्ठात्र देवता। हम सुन रहे थे ना, हर व्रत का एक एक अधिष्ठात्र देवता, जैसे सोमवार जो करते हैं इसका अधिष्ठात्र देवता भोले बाबा, जो मंगलवार करते हैं श्री हनुमान जी, जो बुधवार करते हैं कभी श्री गणेश जी, जो बृहस्पतिवार करते हैं ये लक्ष्मी जी हैं, जो शुक्रवार करते हैं संतोष भैया, जो शनिवार करते हैं शनि देवता है ना, इसका हर व्रत का एक एक अधिष्ठान देवता। कभी ये जो एकादशी व्रत है इसका अधिष्ठान देवता कौन है? महाभवती थी, इसलिए कहते ना हरिवासर। हरिवासर मतलब क्या? हरि भगवान जिसमें वास करते हैं, इसलिए इसका नाम हरि वासर है ना, हरि की जिसमें वास है। इसलिए बोले ये जो अधिष्ठात्री देवता कौन है? बोले स्वयं भगवान कृष्ण नारायण इसकी अधिष्ठात्री देवता है। कहते हैं भगवान स्वयं कहते हैं, बोले पृथ्वी में जितने सारे व्रत है, भगवान स्वयं कहते हैं एक तराजू ले लो, एक तराजू का एक तरफ में पृथ्वी के जितने सारे व्रत को अपने एक तरफ में रख लो, दूसरे तरफ में एकादशी व्रत को दूसरे तरफ में रख लो, भगवान कहते हैं इसके समान कोई भी व्रत नहीं हो सकता है। बोले एकादशी तिथि की, क्योंकि इसके अधिष्ठात्री देवता भगवान स्वयं कृष्ण। अब तो कृष्ण के बराबर कोई है? भगवान खुद कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वविदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाय। भगवान खुद कहते हैं हे अर्जुन, विश्व ब्रह्मांड में मेरे जैसे कोई परतत्व तो कोई है नहीं, ये विश्व ब्रह्मांड संपूर्ण मेरे अंदर में ये विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है। इसलिए कहते हैं ये त्रिलोक में इसकी बराबर कोई व्रत नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई ये व्रत को कोई पालन करे तो भगवान स्वयं क्या करते हैं? नारायण कहते विद्वान और जसोसी करते हैं जगत में, इसका बड़ा जस जगत में दुनिया में बड़ा अच्छा से उसको होता है जो एकादशी व्रत करे। देखो ध्रुव प्रहलाद मीरा तुलसीदास सूरदास, इनका जस दुनिया में, सारा दुनिया में इनकी जस है, सारा दुनिया में इनकी जस पिटता रहता है, लेकिन इधर उधर जो देवा देवियों का पूजा करते उनका कोई जस नहीं जगत में, कोई इनका नाम नहीं है। केवल जो विष्णु भक्त है केवल जगत में उनका ही जगत में नाम है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं अगर एकादशी व्रत कोई करेगा तो विश्व ब्रह्मांड में उसके जस को सारा दुनिया में उसका जस फैलती रहती है। इसलिए कहते हैं एक समय तब उन्होंने कथा सुनाई, आप भी कथा को सुन लो, ये कथा सबको सुनाना है।
कद एक समय प्राचीन काल में कद ये भद्रावती नाम का कोई एक पुरी था, उसमें सुकेतु नाम का कोई एक राजा और उसकी रानी का नाम था चंपका। है क्या नाम था? चंपका। पत्नी का नाम और राजा का नाम सुकेतु। सुकेतु है इसका नाम सुकेतु। इसलिए दोनों राजा रानी है कद दोनों बड़े सुख पूर्वक अपना समय व्यतीत करते थे। लेकिन बड़ी जब दूर तक उन्होंने अपना जीवन बिताया, लेकिन जब धीरे 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 उम्र होते जाता है, हर व्यक्ति चाहते ना मेरे बाद में वंशों को कौन चलाएगा, सबका चिंता है मेरे बाद में वंशों को कौन चलाएगा। लेकिन अभी वंश में कोई है ही नहीं, पुत्र ही नहीं जो राजगद्दी पर बैठे आगे वंश को जो चलाए। अभी कोई घर में पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र नहीं होने का नाते वो बड़े दुखी रहते थे। और उन्होंने एक पुत्र के लिए उन्होंने बहु धर्म क्रिया बहु हर तरह का उन्होंने बाहर व्रत उन्होंने रखा, घर में कोई पुत्र की प्राप्त हो, लेकिन घर में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अभी राजा दुश्चिंता में पड़े हुए, घर में पुत्र नहीं, हमारे भविष्य तो कौन है और आगे ये वंश को कौन चलाएगा। है हर व्यक्ति जाते ना हमारे भारत में, देखो ये जो रीति है ना हमारे भारत में, विदेश में नहीं है ये सब चीज, विदेश में नहीं है। हैं वहां पर तो कोई जैसे हम लोग पिंड दान करते हैं जल दान करते हैं, उसको देश में कुछ है ही नहीं, पुत्र 15-16-17 निकले तू जा कमा तू खा। लेकिन ये जो भारतीय जो संस्कृति है ना, ये महान संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति जो भगवान को मानते है। ये स्वयं ठाकुर जी ये बात को युधिष्ठिर जी महाराज को कह रहे हैं कि राजा के जो पूर्व पुरुष उनके द्वारा प्रदत्त जल को बहुत दुख के साथ ग्रहण करते हैं। इसलिए जैसे कहते ना आत्मदेव, आत्मदेव कहते ना जब उन्होंने कोई उन्होंने पितृ पुरुष को उद्देश्य में जब कोई पिंड पानी देते थे बड़े दुखी होकर ग्रहण करते थे। हैं बड़े दुखी होकर ग्रहण करते थे, लगता था जो कोई गरीबी चीज देता है, बोले क्यों, बोले इसको बाद में कोई पुत्र है ही नहीं जो हमें पिंड प्रदान करने वाले कोई तो है ही नहीं, इसलिए जैसे कोई गर्मी चीज दे ना वो ऐसे ही ग्रहण करते थे। यहाँ पर भी कहते बड़े दुख के साथ में पूर्वज लोग उसके पानी को ग्रहण करते थे, क्योंकि वो चिंता करते कि राजा मृत्यु के बाद जल पिंड प्राप्त होने की आशा और है नहीं, क्योंकि राजा मर जाएगा तो कोई है नहीं पुत्र जो जल पिंड कौन दान करेगा, इसलिए बड़े दुख पूर्वक वस्तु को ग्रहण करते थे। सभी प्रकार के ऐश्वर्य वर्तमान रहते हुए भी पुत्र ही राजा मन में सुख नहीं मन में दुख, उसके हर तरह का राज ऐश्वर्य है लेकिन मन में सुख शांति है नहीं। ये सोचते थे अपुत्र का जो जन्म है वृथा और गृह शून्य है, हैं जिस घर में संतान नहीं बच्चे क्रिकेट नहीं वाले खेलते हैं घर को शून्य घर माना गया, सुन्ना घर माना गया। पितृलोक देवलोक और मनुष्य लोक में जिन तीन प्रकार का ऋणी को शास्त्र में उल्लेख है, कहते हैं पितृलोक है और एक देवलोक है और एक मनुष्य लोक है, तो तीन लोक में क्या है कहते प्रकार में ऋणी को शास्त्र में उल्लेख किया है, वो पुत्र के बिना परिशोध नहीं हो सकता है। जब पुत्र होगा ना तब ऋणी के जीव मुक्त होते हैं। लेकिन इतने बात है ना ये साधारण लोग है, ये वैष्णव लोग के लिए नहीं है। ये जो बात है ये जो कथा है ये जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनके, लेकिन जो लोग प्रभु का हरिनाम करते ना भक्ति करते हैं वो अपना पिंड स्वयं देकर चले जाते हैं, उनके लिए कोई पिंड पिंड की हमारे वैष्णव जगत में ना कोई पिंड पिंड की कोई बात है नहीं, वैष्णव जगत तो कोई पिंड नहीं देते, उनको भगवान को प्रसाद अर्पण करके वो प्रसाद को उनको देते हैं। क्योंकि ये पिंड किसको देते हैं, जो प्रेत जो निमी जाता है, जिसने भजन नहीं किया प्रभु की भक्ति नहीं की, जिसके गले में कंठी नहीं था, तिलक नहीं लगाए, हरि नाम नहीं किए, सब उनके लिए ये सब बात है। लेकिन जो गले में कंठी माला तिलक भजन किया ना उनके लिए ये सब बात नहीं है, वो लोग तो स्वयं सब कुछ करके जाते हैं। कहते बल्कि जब कोई व्यक्ति भजन करता है पितर के स्वर्ग पितर पितर साम, जब कोई व्यक्ति हरिनाम करना शुरू कर देते हरिनाम करना, उनका पूर्वज लोग हाथ उठा उठा कर नृत्य करते हैं, हमारी अहोभाग्य है हमारी वंश में ऐसे एक पुत्र जन्म लिया जो हरि का नाम ग्रहण कर रहा। इसलिए पुराण में बताता है एक व्यक्ति को नरक में
गले पकड़ करके टांगी पे सब कुंड में डूब रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति हा 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 हंस रहा था। बोलो भैया तेरे को यहाँ दंड दे रहे, तू ऐसे क्यों रहे? बोलो जो करना आज कर लो, कल से नहीं कर सकते हो। बोले क्यों? कल मेरे वंश से एक व्यक्ति हरि का नाम ग्रहण करेगा। क्या करेगा? हरि का नाम जब करेगा, आज जो कर सकना आज तू कर ले, कर हम चरण मेरे चरण तुमको छूना पड़ेगा। इसलिए अब जो हरि नाम कर रहे हो ना, वो साधारण बात नहीं, करोड़ों जन्म का सुकृत से कोई प्रभु का हरि की नाम कोई ग्रहण करता है, साधारण व्यक्ति के मुंह से नाम निकल नहीं सकता है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, जनि पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। हे अर्जुन, वही व्यक्ति मेरे नाम जप कर सकता है जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने वासुदेव समर्चनम जो भगवान की सेवा पूजा की है, तभी इसी जीवन में वही व्यक्ति हरि का नाम को ले सकता है। सभी हरि नाम नहीं ले सकते, बड़े भाग्यवान व्यक्ति हरि नाम लेते हैं। बड़े भाग्यवान जो लोग हरि नाम कर रहे हो, तिलक कटे धारण कर रहे हो, समझ रहा तुम्हारी पूर्वजों का कोई बहुत बड़ा पुण्य होगा, छोटे बड़े पुण्य नहीं, बहुत बड़ा भाग्य होगा। तभी वंश में कोई व्यक्ति हरि की नाम को कोई जप करते हैं, हरि नाम जप करते। इसलिए कहते पितृलोक देवलोक और मनुष्य लोक में जिन तीन प्रकार इन्हीं को शास्त्र में उल्लेख है, कहते ये पुत्र के बगैर ये परिशोधन नहीं होता है। भगवान व्यक्ति को, पुत्रवान व्यक्ति को इसी जगत में जस और परलोक में उत्तम गति प्राप्त होता है। कहते इसलिए पुत्र को जन्म देने से कहते ना पुत्र, पुत्र मतलब क्या? कहते जो पुत्र को जन्म देते हैं उसको पूत नाम का नरक से उसको उद्धार हो जाता है, पुत्र को जो जन्म प्रदान करते हैं। इसलिए कहते परलोक में उसको उत्तम गति की प्राप्त होता है, इसी जगत में भी उसको जस की प्राप्ति होता है। कहते उनको उनकी आयु आरोग्य संपत्ति आदि विद्यमान रहती है जिसको संसार में पुत्र हो। राजा ने अनेक प्रकार की दुश्चिंताओं से ग्रस्त होकर के आत्महत्या करने के लिए निर्णय किया। जिसका जब घर में कोई संतान है ही नहीं, बोले ऐसे जीवन धारण करके क्या करूंगा, इससे मर जाना सही है। जैसे आत्महत्या ने मरने चल गया था, इसलिए मर जाना सही है। किंतु बाद में फिर विचार कर रहा है, कहते क्या आत्महत्या करना बड़ा पाप है, प्रेत जन्म प्राप्त होता है। फिर सोच रहा है तो शास्त्र के अर्थ थोड़ी बहुत है ही है, सुनते थे। बोले भैया जो आत्महत्या करता है प्रेत जन्म में जाता है, अगर आत्महत्या करूंगा तो प्रेत जन्म में जाऊंगा, अगर प्रेत जन्म में जाऊंगा तो क्या ये पुत्र मिल जाएगा? कोई दुख तो दे नहीं जाएगा ना, पुत्र तो हो ही नहीं जाएगा, नहीं हुआ तो ये तो दुख का है ही है। इसलिए वो सोच रहे अभी क्या किया जाए। इसलिए कहते पतित तो अवश्य होगा, कि तो मेरे तो पुत्र है दूर नहीं होगा, इसलिए आत्महत्या करके क्या लाभ। कहते एक दिन राजा बड़े दुखी होकर के एक दिन घोड़े के ऊपर सवार होकर के उन्होंने गुप्त रूप में राजमहल से बाहर जा करके एक वन में प्रवेश किया। जब वन में प्रवेश किया, कहते वन में प्रवेश करते करते दोपहर हो गया, तब उन्होंने भूख से अतिशय कातर हो उठा, इधर उधर चार और जल आदि की खोज करते करते राजा ने चक्रवाक पपिया राजहंस मगरमच्छ और बहुत प्रकार की मछलियों से परिपूर्ण एक मनोहर सरोवर और उनको समीप मुनियों का आश्रम का दर्शन किया। हैं ऐसे भ्रमण करते करते देखा सुंदर सरोवर जहाँ पपिया है, जहाँ पर राजहंस मगरमच्छ सुंदर जल क्रीड़ा कर रहे, सुंदर एक सरोवर देखा, और सरोवर के पास भी क्या देखा, कुछ साधु संतों की आश्रम दर्शन किया। इसको बाद में राजा ने घोड़े से उतर करके सरोवर के किनारे के जो वेद पाठ कर रहे थे जो मुनि लोग, उनके चरण में उन्होंने प्रणाम किया। देखो भैया प्रणाम करने का बड़ा महत्व है, इसलिए हमारी संस्कृति है प्रात उठ हरि रघुनाथा और मात पीत गुरु रघुनाथा। भगवान सवेरे उठकर के सबसे पहले क्या करते थे, पिता माता के चरण छूते थे। आप देखो जिसको चरण छूओगे ना, हृदय से अपने आप आशीर्वाद मिलेगा, उसके हृदय में अपने आप एक शत्रु क्यों नहीं हो, आप प्रणाम कर लो बस हृदय से। और कहते भैया जो वैष्णव लोग होते हैं ना, जानते तो उनका कमजोर कहाँ पर है, उनका चरण जो संत लोग होते हैं ना, उनका सबसे कमजोर उनकी चरण में, अगर उनके चरणों को पकड़ करके रोने लग जाए ना
बास उनका हृदय कहते ना संत हृदय नव संतों का हृदय बड़े कोमल है, तो जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो उनकी चरण में गिर कर रोने लग जाए। जैसे आत्मदेव ने संतों का चरण पकड़ लिया तो उन्होंने फल दे दिया, भले पत्नी को खिलाकर बच्चा हुआ। इसलिए उन्होंने देखा जब उन्होंने संतों की चरण में उन्होंने प्रणाम किया, संतों तो बड़े दयालु होते हैं, इसलिए कहते उनके चरण में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो उन्होंने राजाओं ने संतों ने पूछे, भले महाराज आपका प्रति हम प्रसन्न है, आप हम लोग को प्रणाम किया, राजा हो गए प्रणाम किया है, प्रसन्न है, आपकी कोई इच्छा है क्या मन में? जब ये बात अपने आप संत लोग पूछने लगे, जब पूछने लगे राजा तो बड़े खुश हो गए, संत खुद पूछ रहे। राजा ने पूछा कहते आप लोग कौन हो, यहाँ पर एकत्रित होकर आप यहाँ क्या कर रहे हो, अब कृपा करके उसको सविस्तार में वर्णन कीजिए। तब मुनियों ने कहा देखो महाराज कहते हम विश्वदेव है, हम लोग का नाम है विश्वदेव और स्नान करने के लिए इस सरोवर में हम लोग आए हैं। कहते आज से 5 दिन बाद में ये माघ की महीना शुरू होगी, जो माघ महीना बड़ा पुण्य महीना मानते हैं, हाँ माघ महीना में, इसलिए ब्रज गोपियों में भी वो माघ महीना में ही उन्होंने स्नान करते हुए उन्होंने कात्यायनी व्रत की और ठाकुर स्वयं उनकी दर्शन दिया, ठाकुर जी और वरदान दिया है तुम सबके सब रासलीला में उपस्थित होना, इसलिए माघ महीना आरंभ होने वाले और आज आज का जो तिथि है इसका नाम है पुत्र का एकादशी है, ये पुत्र का एकादशी है, इसलिए ये मनुष्य को पुत्र प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम पुत्र था। इसलिए आज का दिन कोई एकादशी करेगा तो अगर जिनके घर में पुत्र संतान की कमी है ये एकादशी उनको पुत्र का प्रदान करती है। इसलिए राजा सुनकर कहा हे मुनि वृंदो मैं अपुत्री का हूँ, मेरे भी संतान नहीं है, पुत्र की कामना में बड़ा दुखी हूँ, अधीर हूँ, आप लोगों के दर्शन करके मेरे हृदय में मानो एक आशा के संचार हो रहा है, मेरे घर में भी पुत्र होने वाला, मैंने बहुत कष्ट किया लेकिन पुत्र नहीं हुआ, लेकिन आपको देख कर लगता है मेरे घर में पुत्र होने वाला है। इसलिए इसे दुर्भाग्य पुत्र इनको कृपा करके एक पुत्र प्रदान कीजिए, इसलिए कृपा करके मेरे को एक पुत्र प्रदान करो। ये सुन करके मुनियों ने कहा महाराज आज ही बहुत सुंदर दिन है, आज का नाम पुत्र का एकादशी है, इसलिए आप इसी व्रत को पालन करें, इसमें केशव की कृपा से आपको पुत्र प्राप्त होगा। संतों ने आशीर्वाद दे दिया, आज अगर ये पुत्र का एकादशी करोगे तो ठाकुर का आशीर्वाद से घर में तुम्हारी पुत्र के होगा। तो उन्होंने मुनियों की बात सुनकर राजा ने कहा फालूंगा आदि ग्रहण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने व्रत की पालन किया। उन्होंने क्या किया उसी दिन उन्होंने फल मूल जैसे हम लोग खाते हैं ना फल मूल खा करके, पहले लोग तो पूरा निर्जला रखते थे, एकादशी से एक दिन पहले रात को भोजन नहीं करते थे, पूरा पूरा एकादशी का दिन निर्जला, फिर उसको फिर दूसरे दिन समय से अपना व्रत को द्वादशी को व्रत खोल देते थे। इसलिए लेकिन यहाँ पर लिखा उन्होंने फल मूल खा करके उन्होंने व्रत किया है और उन्होंने दूसरे तीर जो है जैसे चावल है दाल है तिल है सरसों का गेहूं ये पंच सस्य बताया गया, एकादशी का दिन पंच सस्य प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने उसी चीजों से ठाकुर को भोग लगा करके प्रसाद दे करके उन्होंने इसको व्रत को उन्होंने खोला है। करने पर आदि द्वारा पारण कर मुनि वृंद को प्रणाम करते अपने महल को लौट गया, उसने सब व्रत करके संतों का आशीर्वाद लिया और अपना महल में लौट गया। पुण्य कर्मा राजा को उचित समय पर एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्त हुई, हाँ उनका समय होने पर उनको बड़े तेजस्वी पूर्ण घर में संतान जन्म हुआ। कहते हे महाराज इस व्रत का सभी को पालन करना चाहिए, कृष्ण कह रहे युधिष्ठिर महाराज ये व्रत सबको पालन करनी चाहिए और मैंने यह लोक हित की इच्छा से तुम्हारे निकट वर्णन किया है। एकाग्र चित्त से जो लोग पुत्र का एकादशी का व्रत पालन करेंगे वे पुनः कहते पुनः नामक नरक से रक्षा प्राप्त कर मृत्यु के बाद उन्होंने भगवत लोक को वास करते हैं। क्या होता है इसको करने पर एक नरक है जिसका नाम पुण्य जिसके नरक का नाम, अगर ये एकादशी कोई व्रत करेगा तो वो नरक उसको प्राप्ति नहीं होगा
और उसको भगवत धाम की भगवत प्रेम उसकी प्राप्ति होगा। इसे व्रत कथा के पाठ और श्रवण से फिर फल क्या मिलेगा, कहते कि यज्ञ है जिसका नाम है अग्नि स्टोम यज्ञ है। कहते अगर एकादशी का व्रत कोई श्रवण करेगा तो अग्निष्टोम व्रत का उसकी फल की प्राप्ति होगा। इसलिए कृष्ण ने ये बात उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बोले, आज का जो एकादशी है इसका नाम क्या है, पुत्रता। साधारण व्यक्ति का संतान नहीं, उनको तो पुत्र की प्राप्त होगा, लेकिन जो भक्ति में आए तद्वान क्या होगा, तुम लोग पुत्र तो हो ही गया, कच्चों को क्या लेना, कह देना। यहाँ पर कहते हैं ये जो यहाँ पर जो पुत्र है ये भक्ति रूपी पुत्र हमें प्राप्त हुई है, ये भक्ति रूपी भगवत प्रेम रूपी पुत्र की हमें प्राप्त हुई। इसलिए एकादशी व्रत को हमें बड़े जत्न पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक और अच्छे तरह से हमें ये व्रत को पालन करनी चाहिए। और आज का दिन रोज रोज जितने हम हरिनाम करते हैं उससे आज का दिन थोड़ा ज्यादा हरिनाम करनी चाहिए। इसलिए लोगों का साधारण लोगों को धारणा है व्रत मतलब क्या है, नहीं खाना। कहते ना आज हमने उपवास किया है, उपवास मतलब होता है कुछ भोजन नहीं करना। लेकिन हमारे रूप गोस्वामी कहते नहीं, नहीं खाने को उपवास नहीं कहते, इसका नाम उपवास। उप मतलब होता है निकट में, वास मतलब निकट में वास करना। बोले कौन किसको निकट में वास करना, बोले जीवात्मा परमात्मा नो, जो जीवात्मा परमात्मा को भगवान को पास में निकट में वास करना। बोले हम कैसे उनको साथ में वास कर सकते हैं, उनको साथ में कैसे वास कर सकते हैं। इसलिए भगवान को जो नारद जी ने पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हो, भगवान क्या कहते हैं, मद भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठा नारद। उनको पास में हम कैसे वास कर सकते हैं, जब उनकी कीर्तन करे, उनकी कथा सुने, उनके भजन करे, जब हरिनाम करे, इसको द्वारा ही हम भगवान के निकट में वास कर सकते। इसलिए हम आज जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, कीर्तन मतलब होता है भगवान की निकट में ही वास है। इसलिए आज का द्वारा क्या करनी चाहिए, महाप्रभु क्या करते थे, अभी भजन गा रहे थे ना, श्रीहरि बासरे हरि कीर्तन विधान नृत्य आरंभ मिला प्रभु जगत प्राण। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हरिवास का तिथि आज एकादशी का दिन सोते नहीं थे, सारे भक्तों को महाप्रभु लेकर के रात भर हरि कीर्तन करते थे, रात भर कीर्तन करते थे आज का दिन है। क्योंकि बोले कलियुग में, कहते कलियुग में जो व्रत है, कलियुग में जो साधन है ना, वो एकादशी ही कलियुग में यही सबसे बड़ा साधन, कलियुग में ये एकादशी है। इसलिए सत्य युग में जैसे ध्यान था, तृतीया युग में यज्ञ था, द्वापर युग में अर्चन था, कलियुग में हरिनाम, और ये एकादशी व्रत है। इसलिए एकादशी व्रत को अच्छे तरह से पालन करो। आज का दिन जितने रोज रोज हरिनाम कर दो, आज का दिन ज्यादा हरिनाम करो। इसलिए हमारे श्री अम्बरीश महाराज, उसका नाम ग्यारस है, ग्यारस मतलब ग्यारह है, ग्यारह कहते हमारी ग्यारह इंद्रियां हैं। कहते आज जैसे अम्बरीश महाराज क्या करते थे, बोले सबई मन कृष्ण पदार विद्यो, मन को ठाकुर के चरण की चिंता में लगा देते, बोले बादशाह से वैकुंठ गुणानुवर्णने, बोले वाणी को तरह भगवान की गुण कीर्तन करते थे, बोले करो हरे मंदिर मार्जना, हाथों को क्या करते थे, ठाकुर जी की मंदिर मार्जन करते थे, बोले श्रुति चकार अच्युत सत कथा, कान से भगवान की कथा सुनते थे, बोले सिर ऋषिकेश पदार बंदन, अपना सर से ठाकुर के चरणों को प्रणाम करते थे, पादो हरि क्षेत्र पदान सर्पण, चरण को द्वारा क्या करते थे, भगवान की मंदिर परिक्रमा करते थे, तुलसी परिक्रमा करते थे। इसलिए एकादशी इंद्रियों को संपूर्ण भगवान के भजन में लगाया करते थे। इसलिए इनकी एकादशी व्रत की निष्ठा पर ठाकुर के चरण में निष्ठा देख करके ठाकुर जी स्वयं सुदर्शन चक्र को उन्होंने भेज दिया। क्या किया, सुदर्शन चक्र को उन्होंने भेज दिया। आज क्या एकादशी इधर किसी देवर ने इसलिए कहते हैं उन्होंने पूरा एकादशी व्रत का दिन क्या करते थे, संपूर्ण रूप में सेवा करते थे। इसलिए भगवान संतुष्ट होकर उन्होंने सुदर्शन चक्र को भेज दिया।
बोले हे सुदर्शन चक्रवर्त, ये अंबर सिंह महाराज अपना रक्षा के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, दिन रात मेरे नाम कीर्तन भजन में लगे हुए, उनको तुम रक्षा करना। देखो शिक्षा देते हैं, जो व्यक्ति भगवान की भजन करेगा ना, हरि नाम करेगा ना, उसको कौन रक्षा करेगा? सुदर्शन चक्र रक्षा करेगा। कितना जाके राधे साईया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह नहीं हुई। जो व्यक्ति भगवान की चिंतन भगवान के नाम कीर्तन करेगा, उसको ठाकुर का सुदर्शन चक्र उनको रक्षा करता है। इतने महत्व है। देखो एक समय चैतन्य भागवत में कथा थी, जब एक श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु की खटिया के ऊपर बैठ गए, भगवान बैठ गए, बैठ करके सारे भक्त लोग आ रहे, सब भक्तों को महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे और उनके पूर्व पूर्व कथा सुना रहे। सुनाते सुनाते इतने में एक भक्त को बुलाए, एक भक्त को बुला करके पहले तो हरिदास ठाकुर को बुलाए, बोला हरिदास तुमको याद है जब 22,000 में तेरी पिटाई हो रही थी, वो हरिनाम करता था, मुसलमान लोग बोले खबरदार हरि का नाम नहीं ले सकते हो, हैं हरिनाम छोड़ दो। उन्होंने क्या बोले, अगर मेरे शरीर को बोटी बोटी करके अगर काट डालोगे तब भी मैं हरि का नाम नहीं छोड़ेगा। एक और हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 अत्याचार है, इसलिए भगवान पर ज्यादा सब आंसू भी ले सकती। अगर मेरे भक्तों पर कोई विनाश होना गैया को ऊपर में पृथ्वी को ऊपर में मैं समूल में नाश कर देता हूँ। भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए और उसी समय तुम उनका कल्याण सोच रहा था, बोले ठाकुर जी ये मूर्ख अज्ञा कुछ जानते नहीं, इनके अपराध मत लो, तुम जब उनकी कल्याण सोच रहे हो मैं कैसे मार सकता हूँ। उसी समय मैं स्वयं तुम कैसे आलिंगन कर लिया और जितने पिटाई हुई ना भगवान कहते मेरे पीठ में लगा हुआ सारे पिटाई मैंने कराने दिया। और इतना सुन करके तो हरिदास ठाकुर लोट पोट उठाने लग गए ठाकुर का चरण में है। फिर और एक भक्त को बुलाए, बोले तेरे को याद है? देखो भक्त अगर सचमुच से हृदय से अगर कोई ठाकुर का स्मरण करे ठाकुर कैसे बचाते, बोले तुमको याद है? बोले क्या है? बोले एक समय ये मुसलमान लोग क्या करते थे, हमारे हिंदू स्त्रियों का इज्जत ले लेते थे। उनका पहले राज्य तो था, सुंदर कोई लड़की को देखे कोई स्त्री को देखे उसको ऊपर में अत्याचार करते थे, उनको इज्जत ले देते थे। एक समय रात को बीच में मुसलमान ने आक्रमण कर दिया गांव में, आक्रमण कर दिया तो तुमने अपना बहू बेटी को लेकर घर से तुमने निकल गया, अभी रात को कहाँ जाओगे? गंगा वहां पर बह रही थी, बंगाल में गंगा है, अभी तुम सोच रहे हो रात को बीच में 2 बजे कौन हमें गंगा पार कराएगा? लगता है आज मेरी बहू बेटी की इज्जत मुसलमानों ने ले लेगी। उस समय तुम मेरे को बुला रहा था भगवान को, इतने में तुम्हारी याद है एक नाव वाले ने तुमको नाव में बैठा करके तेरे को गंगा पार करा दिया था, याद है? बोले उसी समय जैसे तुम मेरे को पुकारे ना मैं स्वयं नाव लेकर आ गया, रात 2 बजे कौन नाव लेकर आएगा, कहते मैं ही आ गया था नाव लेकर के और तेरे को नाव में बैठा करके मैंने तुमको गंगा पार करा दिया। इतना सुनते ही वो तो चरण में लोट पोट खाने लग गए, ठाकुर जी आप कितने दयालु, आप कितने बड़े भक्त वत्सल हो, हैं? इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल है ठाकुर का नाम। इसलिए अगर हृदय से अगर कोई भगवान की स्मरण करे उनके ठाकुर जी क्या करते हैं, भक्तों को ठाकुर जी रक्षा करते हैं। किसलिए मैंने बताता है सुदर्शन अम्बरीश महाराज, इसलिए अम्बरीश महाराज भजन करते थे, इसलिए सुदर्शन चक्र उनको स्वयं रक्षा करते। और एकादशी की इतने महत्व है, सुदर्शन चक्र स्वयं प्रकट हो गए जब दुर्वासा बिगड़ करके उनको मारने के लिए गया, क्योंकि दूसरे दिन व्रत खोल दिए, मतलब मेरे को निमंत्रण करके बिना भोजन के भोजन कराए,
जब उन्होंने राक्षस को प्रकट करके उसको मारने के लिए भेजे, चक्र स्वयं प्रकट होकर उसको खत्म किया, पर दुर्वासा को पीछे भाग गए। दुर्वासा कौन है? शंकर जी के प्रकाश है। ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा ने रक्षा की। शंकर जी को पास में गए, शंकर जी ने रक्षा की। लास्ट में उन्होंने वैकुंठ तक चले गए, भगवान भी जिनको रक्षा नहीं किया। बोले भैया प्यार में कंटा चुभेगा तो प्यार से निकलेगा, सर में नहीं। लास्ट में अम्बरीश महाराज के चरण में उसको माफी मांगना पड़ा। बोले एकादशी व्रत जो करते हैं ठाकुर जी कैसे उनको रक्षा करते हैं, इसलिए क्या करनी चाहिए? एकादशी व्रत को निष्ठा पूर्वक हमें एकादशी व्रत रखनी चाहिए। बोले श्री एकादशी की जय। सच्चा नाम पावन भो वैष्णव।